अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। माई सेल्फ डॉक्टर बुशरा अब्रार, बीएमएस एमडी इल्मुल अदविया। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्लांट ओरिएंटेड ड्रग में आज हम एक नई दवा के बारे में पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे हब्बुल गार के बारे में। हब्बुल गार का बॉटनिकल नेम है लोरस नोबिलिस। हब्बुल गार का मुतरादिफ नाम है, इसे चेरी लॉरल के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसकी माहियत पर भी बात कर लेते हैं। हब्बुल गार क्या है? तो हब्बुल गार दरअसल एक दरख्त होता है, उसका ये फल है। ये फल ही इसका हब्बुल गार के नाम से दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, जब ये ताज़ा होता है तो ये बेरी की शक्ल का होता है, कुछ गोल ओवल शेप का होता है। लेकिन जब ये खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो ये थोड़ा सूखा सूखा हो जाता है। ये इसमें इतनी शाइनिंग नहीं रहती जितना ये जब ताज़ा हालत में होता है उस वक्त होता है। और ये कुछ ज़्यादा डार्क हो जाता है, ज़्यादा स्याही माइल हो जाता है, और इसकी शक्ल थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में हो जाती है। इसके दरख्त की बात करें तो इसका दरख्त 5 से 6 मीटर तक ऊँचा होता है। और इसके दरख्त हिंदुस्तान में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये एशियाई कोचक में पाए जाते हैं और मेडिटेरेनियन सी में इसके दरख्त पाए जाते हैं। वहीं से इसको इंडिया में, हिंदुस्तान में इंपोर्ट किया जाता है। हब्बुल गार का मिजाज गर्म खुश्क हॉट एंड ड्राई मिजाज होता है इसका। तो आइए अफाल भी जान लेते हैं इसके। तो हब्बुल गार का जो मेन एक्शन है ये होता है मुहर्रिक आसाब है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नर्वाइन स्टिमुलेंट है। इसलिए जितनी भी नर्वस डिसीज़ होती है, हमारी आसाबी बीमारियां होती हैं जिनमें आसाब कमज़ोर हो जाता है, उसमें हब्बुल गार बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होता है। इसके साथ साथ ये मुदर बॉल है, मुदर हैज भी है, और ये मोहल्ल और यानी एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट भी अपने अंदर रखता है। इसके यूजेस की बात करें तो जैसा कि ये एक खूबी मौर्य के आसाब है, स्ट्रॉन्ग नर्वाइन स्टिमुलेट है, इसलिए इसको हम आसाब की कमज़ोरी से जो बीमारियां होती हैं उनमें इस्तेमाल करेंगे। जैसे फालिज में, लकवा में, राशा में, इंडिसीज में क्या करते हैं, हम इसका रोगन की मालिश भी कराते हैं मरीज़ को लोकली, और इसका सफ़ूफ बनाकर भी मरीज़ को खिलाया जाता है। वजुल मुफासिल में, क्योंकि ये मोहल्ले औराम है, इसलिए इसको वजुल मुफासिल, अरकुनिसा वगैरह में भी हम इस्तेमाल कराते हैं। इसमें भी दोनों तरह से हम इस्तेमाल कराते हैं, इसके रोगन की मालिश भी कराते हैं और इसको इंटरनली भी मरीज़ को खिलाया जाता है। हिसाते कुलिया में, यानी कि जो रीनल स्टोन होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि ये मुदरे बॉल है। मिकदार खुराक की बात की जाए तो इसको हम सफ़ूफ की फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में 1 से 3 ग्राम तक की मिकदार में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, और इसके रोगन को हम हसब ज़रूरत मालिश के तौर पे इस्तेमाल कराएंगे। कीमियावी अज्जा की बात करें तो इसमें कई सारे केमिकल कॉन्सेंट्रेंट पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने नज़र आ रहे हैं आपको। इसमें वॉलेटाइल ऑयल होता है, हाइड्रोसियानिक एसिड पाया जाता है इसमें, कैटेचिन नाम का एक कंपोनेंट होता है, और इसमें कैफिक एसिड भी पाया जाता है। मुज़िर असर ये होता है कि इसको खाने के बाद मरीज़ को थोड़ी बेचैनी का एहसास होने लगता है, कि बेचैनी पैदा करता है। इसका मसला ये होता है कि अगर इसके साथ हम मरीज़ को एडवाइस करें कि जब वो हब्बुल गार के मुरक्कबात या हब्बुल गार को सिंगल इस्तेमाल करें तो उसके साथ दूध का इस्तेमाल करें, तो इसका मुज़िर असर काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। मशहूर मुरक्कब है इसको, जो यूनानी के बहुत मशहूर तिरयाक हैं, तिरयाक अरबा, तिरयाक फारूक, तिरयाक समानिया, उन सब का एक अहम जुज है, जुज ख़ास है हब्बुल गार। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दवा के साथ। अल्लाह।